तो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ, आप सभी एस्पिरेंट्स के साथ कुछ गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ, और ये स्टूडेंट्स के साथ ही जो भी मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो मेरे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें लिखा है मेडिकल कॉलेज टू बी सेट अप इन ईच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, ट्यूसडे 12 फरवरी 2019, PLS चंडीगढ़। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट है, क्योंकि हरियाणा के CM श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मंडे को इस अपनी स्पीच में इसके बारे में इसका जिक्र कराया। तो उन्होंने क्या क्या बोला है, तो चलिए हम इस आर्टिकल में पढ़ते हैं। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल ऑन मंडे सेड दैट टू प्रोवाइड बेटर मेडिकल फैसिलिटी टू द पीपल एंड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल, वन मेडिकल कॉलेज वुड बी कंस्ट्रक्टेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट के, हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्टर की हॉस्पिटल्स में, वो सारी कंप्लीट हो सके और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हरियाणा के लोगों को मिल सके। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, उनके पास कुछ रिपोर्ट्स थी जिसमें उन्होंने कहा, एट प्रेजेंट द स्टेट इज़ गेटिंग 750 न्यू डॉक्टर्स एवरी ईयर एंड अ टारगेट हैज़ बीन सेट टू इंक्रीज दिस फिगर टू 2000 इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। तो अभी हर साल 750 नए डॉक्टर्स, यानी कि 750 कैंडिडेट वहाँ से MBBS कंप्लीट करके डॉक्टर बनते हैं हरियाणा स्टेट से। तो मनोहर लाल जी उस फिगर को बढ़ाना चाहते हैं और उसको 2000 तक ले जाना चाहते हैं। तो ये जिंद में मीडिया पर्सन से अपनी बात करते वक्त ये सब बातें कह रहे थे। और इससे पहले भी अर्लियर ही इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 12 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग अबाउट ₹46.30 करोड़। उससे पहले भी उन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी कुछ अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे मेडिकल से जुड़े हुए लोगों के लिए, क्योंकि अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो उससे आप स्टूडेंट्स का तो फ़ायदा है ही, उसके साथ ही हरियाणा के लोगों का भी काफ़ी बेनिफिट है। तो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपसे यही न्यूज़ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और रेगुलर अपडेट्स ऐसी पाने के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपके फ़ोन पर आती रहे, नोटिफिकेशन आ जाए आपके फ़ोन पर जैसी हमारी तरफ से कोई अपडेट आती है। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।